हर इंसान को कभी ना कभी किसी न किसी बात पर जरूर पछतावा होता है। अगर दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की बात भी करें तो उन्हें भी लाइफ में किसी न किसी बात का पछतावा जरूर होगा। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं जिसके बाद उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, उन लोगों से सीख लेकर आगे बढ़ा जा सकता है ताकि आप वो गलती ना करें। क्या आपने कभी कोई ऐसा निर्णय लिया है या फिर कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हुआ हो? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। कई बार इंसान बिना सोचे समझे या फिर नादानी में ऐसे काम कर जाता है जिस कारण उसे बाद में पछताना पड़ता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत काम कर देते हैं या फिर गलत फैसला ले लेते हैं और इसके बारे में उन्हें तब तक पता नहीं चलता जब तक कोई उन्हें न बताए। हो सकता है आपने भी कई ऐसे फैसले लिए हों या काम किए हों जिनके बारे में अगर आप सही से सोचें तो आपको पता चलेगा कि काश अगर आपने वो काम नहीं किया होता तो आज आपकी लाइफ कुछ और ही होती। हम में से कई लोग कुछ पछतावे से बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए अधिकतर लोग जिन गलतियों को करते हैं जिसके कारण उन्हें पछतावा होता है उन्हें ध्यान में रखना होगा और उनसे सीख लेनी होगी। इसलिए आज हम कुछ ऐसे पछतावे या गलत निर्णय के बारे में बता रहे हैं जो अधिकतर लोग करते हैं और आपको उनसे बचना चाहिए। मित्रों, जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा पछतावा क्या होगा कि यदि हमने भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान की भक्ति हृदय में नहीं आई, तो सबसे बड़ा पछतावा यही है। सबसे बड़ा पछतावा ये कि पूरे जीवन की श्वास भोगों में चली गई और भगवान का नाम जप नहीं हुआ, भगवान का स्मरण नहीं हुआ। यदि भगवान का स्मरण हो रहा है तो फिर पछतावा नहीं, एकमात्र केवल भगवान का स्मरण और साथ में अच्छे कर्म ही सब कुछ है। कई लोग सोचते हैं कि मुझे जब कोई मेडिकल प्रॉब्लम है ही नहीं तो मैं बढ़ते वजन या खराब लाइफस्टाइल पर क्यों ध्यान दूं? फिर जब वजन बढ़ने या अन्य कारण से शारीरिक समस्याएं आने लगती हैं तब उन्हें पछतावा होता है कि काश उस समय ही मैंने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया होता। इसलिए हमेशा अपनी सेहत पर ध्यान दें ताकि बाद में पछतावा ना हो। आमतौर पर बचपन या स्कूल के दोस्त हमारे लिए खास होते हैं। इसके बाद करियर बनाने के लिए दोनों का या दोनों में से किसी एक का दूर चला जाना काफी खलता है। शुरुआत में तो दोनों संपर्क में रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद काम, पढ़ाई आदि के कारण दोनों अधिक व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में फिर लगता है कि काश हमारे पहले वाले दिन ही वापस आ जाते जिसमें हम दोनों एक दूसरे के क्लोज हुआ करते थे। इसके लिए दोस्तों से संपर्क बनाए रखें और हमेशा उनके टच में रहें। हम में से अधिकांश लोगों के लिए यह काफी पछतावे वाली बात होती है कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया है जो आपसे बहुत प्यार करता था। हो सकता है आपका प्यार दोनों के मनमुटाव के कारण टूटा हो या किसी अन्य कारण से, लेकिन इस बात का पछतावा हमेशा रहेगा कि वो आपसे दूर चला गया है। इसलिए कभी भी रिलेशनशिप में ऐसे स्थिति न आने दें जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़े। अधिकतर लोग नौकरी लगने के कई सालों बाद तक बचत करना शुरू नहीं करते हैं। बाद में आपको अफसोस होता है कि काश आपने छोटी सी भी बचत के साथ शुरुआत की होती तो आपके पास एक अच्छा खासा फंड जमा हो गया होता। हम में से कई लोगों को समझ आता है कि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं है जिस कारण वे कुछ नहीं कर पाए। कई बार लोग खुद पर विश्वास न होने के कारण कुछ कामों को करने से बचते हैं या वो काम नहीं करते। फिर कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि काश उन्होंने अपने ऊपर थोड़ा विश्वास किया होता तो आज वे कुछ और ही होते। इसलिए खुद पर विश्वास करना न छोड़े। कई बार लोग किसी पारिवारिक समस्या या अन्य कारणों से अपनी ड्रीम जॉब को या अपने सपनों को तोड़ देते हैं जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर रहता है। कई बार वे बाद में सोचते भी हैं कि काश जॉब के लिए अप्लाई किया होता और परिस्थितियों थोड़ा मुकाबला किया होता तो आज उनकी ड्रीम जॉब उनके हाथ में होती। कई लोग अच्छी जॉब के कारण अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। फिर जब उन्हें बाद में लगता है कि उन्हें जॉब के साथ पढ़ाई को भी अहमियत देनी थी, इसके बाद उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसी कारण से पढ़ाई को भी अहमियत दें, क्योंकि पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती, वो हमेशा आपको जीवन में आगे ही बढ़ाती है। इसलिए पढ़ाई और जॉब का बैलेंस बनाते चलें। माता पिता बनना जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार संतान सुख से बड़ी खुशी तब मिलती है
जब बच्चे माता पिता का नाम जग में रोशन करें। संतान को कामयाब बनाने के लिए पेरेंट्स हर संभव कोशिश करते हैं ताकि उसे जीवन की हर सुख सुविधाएं मिल पाएं। चाणक्य ने माता पिता और संतान को लेकर बहुत महत्वपूर्ण विचार साझा किए हैं। चाणक्य ने बताया है कि मनुष्य का सबसे कौन सा होता है, कहते हैं ये ऐसा पाप है जिसकी माफी ईश्वर के घर भी नहीं मिलती। चाणक्य नीति कहती है कि एक मनुष्य हथियार से ज्यादा अपने शब्दों से दूसरों का घायल कर सकता है। कड़वे बोल ऐसी चीज है जो बिना हाथ लगाए दूसरों पर वार कर सकते हैं। चाणक्य ने एक कथन में कहा है कि जो व्यक्ति माता पिता के लिए अपनी जुबान की ताकत का इस्तेमाल करता है उससे बड़ा पाप जीवन में कोई नहीं। इस कथन का अर्थ है माता पिता के लिए अपशब्द बोलने वाला इंसान महापापी कहलाता है। माता पिता को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। पेरेंट्स अपनी बच्चे की खुशी के लिए पूरी जिदंगी झोंक देते हैं। चाणक्य ने बताया है कि जिस तरह तीर से निकाल बाण वापस नहीं लौटता, उसी प्रकार जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। अक्सर व्यक्ति क्रोध में माता पिता को भी कड़वे बोल जाता है, लेकिन जब सब सही होता है तो व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। याद रखें, हमारा एक गलत वाक्य या शब्द उनके दिल को गहरी ठेस पहुंचा सकता है। ऐसे में अगर वो माफ भी कर दें, लेकिन ईश्वर कभी इस गलती को माफ नहीं करता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह जीवन में सामाजिक रूप से कई रिश्ते बनाता है जो उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। हम आजीवन कई रिश्तों में बंधते हैं जो हमारे विकास में योगदान देते हैं। हमारी गतिविधियों से सिर्फ हमारा जीवन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि हमारे अपनों का जीवन भी प्रभावित होता है। जीवन में जाहिर है कि हम कुछ गलतियां भी करेंगे जिनका प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। जब हमारे किसी एक्शन का दुष्परिणाम होता है तो हमें ग्लानि या पछतावा भी हो सकता है। इस तरह ही भावनाएं सामान्य हैं और हर मनुष्य के अंदर आती हैं, लेकिन कई बार हम इस भावना से निकल नहीं पाते और यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ग्लानि एक नकारात्मक भाव है और यह मुख्यतः अतीत की किसी घटना से जुड़ा है। ग्लानि आपको अतीत में जीने पर मजबूर करती है, जो आपके वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर, हो सकता है आपने किसी प्रेजेंटेशन पर मेहनत नहीं की और आप ऑफिस में एक बड़ी पदोन्नति से चूक गईं। इस बात का मलाल आपको रहेगा कि आपने तब मेहनत क्यों नहीं की। हालांकि इस स्थिति से सीख लेने की जरूरत है, लेकिन अतीत के बारे में सोचकर आप वर्तमान में भी पूरी मेहनत नहीं कर रही हैं और इसका प्रभाव आपके भविष्य पर पड़ेगा। पछतावा होने पर भी आप गुजरे हुए कल को बदल नहीं सकते, इसीलिए उस भावना से बाहर निकलना ही बेहतर होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जिस स्थिति को लेकर परेशान है वह गुजर चुकी है और उसे बदला नहीं जा सकता। अतीत में रहना आपसे भविष्य को सुधारने का अवसर भी छीन लेता है, इसलिए जो बीत गया उसे जाने दें। जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं उन्हें बाहर निकालें। किसी भी बात को अपने अंदर रखकर आप नकारात्मकता को बढ़ाती हैं। इसे अपने सिस्टम से बाहर जाने दें। किसी दोस्त या साथी से अपने मन की बात कहें या उसे लिख लें। इससे आप इस विचार से मुक्त हो पाएंगी और उससे जुड़ी भावनाएं भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अतीत से सीख लें और भविष्य को बेहतर बनाएं। आपसे जो गलती हो गई उसको सीख के तौर पर देखें और सुनिश्चित करें कि आप भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करें। हमेशा दूसरों के अनुसार नहीं अपनी खुशी के लिए जिए। हम अक्सर कई कदम दूसरों के अनुसार लेते हैं जो आजीवन एक रिग्रेट बनकर रह जाता है। अपने जीवन के निर्णय खुद लें ताकि उसके परिणाम को आप साफ मन से अपना सकें। अगर दूसरों के कहे अनुसार चलेंगी तो जीवन भर ग्लानि में रहेंगी और जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगी। मेडिटेशन यानी ध्यान मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। यह आपके मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करता है और नकारात्मक विचारों को बाहर करता है। यह आपको खुद को एक्सेप्ट करना भी सिखाता है, जो सुखद जीवन के लिए आवश्यक है। महाभारत का युद्ध हर मनुष्य को अपने जीवन में लड़ना है। जब तक तुम नहीं लड़ोगे तब तक आप मुक्त नहीं होगे। परंतु आप सोच रहे होंगे कि ये युद्ध लड़ना कहां है।
तो श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में बताया कि यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां यह युद्ध होता है। अब प्रश्न है कि शरीर में किससे युद्ध करना है? तो शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। इनमें प्रत्येक योद्धा उपस्थित है और वो इस प्रकार है, अभिमन्यु अर्थात अभय मन, वह मन जिसमें अब भय नहीं हो, जो भय से मुक्त है। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है, अर्जुन से उत्पन्न हुआ है। अर्जुन का अर्थ है अनुराग। मनुष्य का इष्ट के प्रति राग ही अनुराग कहलाता है। उसी अनुराग से अभिमन्यु अर्थात अभय मन होता है। ध्यान रहे कि मन तो पहले ही है, परंतु पहले उसमें भय था, परंतु अनुराग ने उसे अभय बना दिया। जब भक्ति करते हैं तो मन भय से परे कर दिया जाता है। अब भय तो उस मन में है ही नहीं। उधर देखे तो भीष्म का अर्थ है भ्रम। यहां बड़ा भयंकर योद्धा है, समस्त कौरवों का सेनापति है, यह भ्रम ही है। मनुष्य को जब तक इस संसार के माया जाल का पता नहीं लगता, तब तक भ्रम बड़ी तबाही करता है। परंतु अनुराग अर्थात अर्जुन उसे अपने धनुष से बाणों की शैया पर लिटा देता है। धनुष का अर्थ है ध्यान। अनुरागी व्यक्ति ध्यान के द्वारा अपने भ्रम को हटा देता है, परंतु उसके बाद सेनापति होते हैं द्रोण। द्रोण का अर्थ है द्वेत। जब तक यह लगता है कि मैं ईश्वर से अलग हूं, उसे ही द्वेत कहते हैं। यह बड़ा षड्यंत्रकारी है, अलग अलग व्यूह बनाता है, चक्रव्यूह भी बनाता है, और इसके चक्रव्यूह में अभिमन्यु अर्थात अभय मन फंस जाता है और मारा जाता है। वर्तमान में हमारा मन भय में रहता है, जब ये अभय हो जाएगा तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, परंतु द्वेत इसे फंसा लेगा, द्वेत खत्म कर देगा। द्रोण का पुत्र है अश्वत्थामा अर्थात आसक्ति, यह अंत तक रहता है। अश्वत्थामा अर्थात आसक्ति अमर है, किसी वस्तु में लगाव होना ही आसक्ति है। इसे मारा नहीं जा सकता, परंतु निष्क्रिय किया जाता है। इधर पांडवों में 5 पांडव है, जिनके मतलब कुछ इस प्रकार है। पांडु पुत्र 5 है। पांडु का अर्थ है पुण्य। पांडु की पत्नी कुंती है। कुंती का अर्थ है कर्तव्य। जब कुंती कर्तव्य का पांडु पुण्य के साथ संबंध होता है, तो युधिष्ठिर रूपी धर्म भीम यानी भाव अर्जुन यानी अनुराग नकुल यानी नियम और सहदेव यानी सत्संग, इन सब का जन्म होता है। उधर धृतराष्ट्र अर्थात अज्ञान से दुर्योधन अर्थता मोह उत्पन्न होता है। ये मोह ही सबका राजा है। मनुष्य के अंदर होने वाले युद्ध यही बड़ा प्रबल है। परंतु जब अनुराग अर्थात अर्जुन मनुष्य में प्रकट होता है, तो स्वयं श्री कृष्ण अंतरात्मा से उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे बार बार हृदय में होने वाले युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। दुर्योधन अर्थात मोह को अंत में भीम अर्थता भाव ही खत्म करता है। यही गीता समझाना चाहती है, परंतु कुछ विद्वानों ने उस गीता के मर्म को वर्तमान से जोड़ा ही नहीं, सिर्फ एक कहानी बताकर छोड़ दिया, जबकि प्रत्येक श्लोक का अर्थ मन के स्तर पर है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। परंतु हम महाभारत को एक कहानी समझकर बैठ जाते हैं, जबकि यह युद्ध हम सबको करना है, सबको उस मोह को खत्म करना है। इसीलिए तो गीता हम सबको मिली, वरना अर्जुन तक ही रह जाती। परंतु भाषा विद्वानों ने इसका सिर्फ भाष्य ही किया है, कभी भाव तक नहीं पहुंचे। गीता अर्थ मन के स्तर पर है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है, मन मनाभव अर्थात अपने मन को मुझ में एकाग्र करो। यही है गीता का मूल उद्देश्य, सब तरफ से मन और बुद्धि को हटाकर एक परमात्मा के स्वरूप में एकाग्र करना। इस अभ्यास से ही भगवान हमको विषय सागर से पार कर लेंगे। गीता का मूल उद्देश्य है काम विकार पर जीत पाना। भगवान ने गीता में अनेक बार कहा है कि काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है, इस महाशत्रु पर ज्ञान की तलवार से इसे जीत पहनो। मनमना भव की स्थिति में स्थिति रहने से ही हमें ईश्वरीय शक्ति मिलेगी, जिससे हम काम विकार पर जीत का सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य निर्विकारी गृहस्थ जीवन जीना होना चाहिए। श्रीमद्भागवत गीता, जिसमें मानव जीवन से जुड़ी अनेकों बातों का वर्णन किया गया है, बताया जाता है इसमें श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वो उपदेश हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वर्तमान समय में
यानी कलयुग में मानव अपनाता है तो वो जीवन में सफल तो होता है बल्कि अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाने में और समाज में मान सम्मान पाने में कामयाब होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में समस्याओं के पैदा होने का मुख्य कारण है गलत सोच। गीता में वर्णन किया गया है कि गलत सोच जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, तो इसके विपरीत सही ज्ञान प्रत्येक इंसान की समस्त मुश्किलों का एकमात्र समाधान माना जाता है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ही बार बार मनुष्य को धोखा देता है। अतः व्यक्ति को मन के अतिरिक्त हमेशा अपने कर्म पर केंद्रित रहना चाहिए, ये ही हर एक का परम कर्तव्य है। गीता में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण के अनुसार मानव जीवन का आधार है प्रेम। जिस किसी के जीवन में प्रेम है केवल वही व्यक्ति जीवन में शांति पा सकता है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। ऐसा कहा जाता है कि अगर जीवन में प्रेम नहीं हो तो वो व्यक्ति चाहे सब कुछ पा भी ले परंतु बावजूद इसके वह व्यक्ति संतुष्टि नहीं मिलती। जिस व्यक्ति के मन में अधिक अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष घर कर जाता है उसका पतन निश्चित हो जाता है। गीता में कहा गया है कि यह सारी वृत्तियां इंसान के साथ दीमक की तरह चिपक जाती है और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कहा जाता है कि इंद्रियों से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मन और मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है। गीता के अनुसार बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा हर कर्म की भागीदार मानी जाती है, इसलिए कर्मों को उच्च रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मानव शरीर ही वह क्षेत्र है जहां युद्ध होता है। इसमें दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। अतः मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है और कभी जीवन में शांति नहीं प्राप्त कर पाता। भगवद गीता को हिंदू धर्म ग्रंथों में एक मुख्य स्थान दिया गया है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा ही अर्जुन को सही और गलत के बीच का अंतर पता चल सका और इसी के आधार पर अर्जुन ने युद्ध में विजय हासिल की। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश जितना उस दौरान प्रासंगिक था उतना आज भी है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य का जीवन ही एक युद्ध बनता जा रहा है। ऐसे में आप यहां जान सकते हैं कि किन परिस्थितियों के कारण मनुष्य पाप में भागीदार बनता है और इससे किस प्रकार बचा जा सकता है। केन प्रयुक्तोयम पापम चर्ति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछता है कि मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम भावना, किसी चीज को पाने की इच्छा है, क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण पाप से बचने के कुछ उपाय भी गीता में बताते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है तो उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ हिंसा का मार्ग अपनाता है, उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, किसी की हत्या करता है, तो भगवद गीता में इसे महापाप माना गया है। चोरी करना भी महापाप है। हालांकि चोरी का अर्थ सिर्फ धन, धन लाभ के उपाय, चुराना नहीं है। अगर आप किसी की सफलता, उसकी प्रतिष्ठा छल से चुराते हैं तो यह भी महापाप माना गया है। किसी भी स्त्री या पुरुष की मर्जी के बिना उसे अपनी वासना का शिकार बनाना भी महापाप में गिना जाता है। वासना के चलते किसी की मर्यादा भंग करना अनुचित है। अगर आप किसी भी वस्तु का ज्यादा लालच करते हैं, फिर चाहे वह धन हो, खाने पीने की चीज हो
या पहने ओढ़ने की कोई वस्तु हो आदि, इसे भी महापाप कहा गया है। ईर्ष्या करना भी महापाप में सम्मिलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईर्ष्या करना एक सामान्य भाव लगता है, लेकिन व्यक्ति इसके चलते कई अनुचित मार्गों को चुनता है। अहंकार में चूर व्यक्ति सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की जगह हृदय परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए। गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में आकर भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य अपनी वासना की वजह से ही पुनर्जन्म लेता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों को अगर अधीन में कर ले तो उसके जीवन में कभी विकार और परेशानियां नहीं आती हैं। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण मनुष्य में कभी भी सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। अपिचेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग। साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि स। एकमात्र ईश्वर परमपिता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ति भी प्रेम व भक्ति के अनन्य भाव से हमको भजता है तो वह साधु है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमपिता परमेश्वर कृष्ण के भजन के समान अब अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत पाप करता है, उसने कभी कोई पुण्य पाप का विचार किया ही नहीं है, केवल अपने भौतिक व इंद्रियों के सुख के लिए ही जीवन जिया है, किसी कारणवश यदि उसको अपने किए गए पाप का बोध हो जाए, अर्थात वो अच्छी तरह जान ले कि हमने अब तक जीवन में जो भी पाप कर्म किए वो बहुत ही गलत थे, अब वो क्या करे? वो सदैव इस चिंतन में है कि हमारे पाप कैसे कटेंगे। जो हमने कमाया वो व्यर्थ था, उसको प्रायश्चित होता है। जब जीवात्मा अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करती है तो उसकी आत्मा पवित्र होती है। वो सदैव इस पाप को मिटाने के लिए युक्ति की तलाश करती है। यहां परमेश्वर कृष्ण कहते हैं कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करके दोबारा पाप न करें, ऐसा निश्चित करके अनन्य भाव से हमको भजना प्रारंभ करता है, अर्थात उसका अब मेरे सिवा कोई आलंब नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में वो मेरी नजर में साधु हो गया तथा मेरा प्रिय भक्त हो गया, क्योंकि उसने निश्चित कर लिया कि मेरे भजन के समान अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। हमने अब तक जो भी कर्म किए हैं उन सब कर्मों का एकांत में चिंतन करें। हमने क्या गलत किया? हमसे कहां कहां कब पाप हुआ? आत्मचिंतन करें, अभी बहुत समय है, उन पापों का प्रायश्चित करें। अब संकल्प लें कि कभी भविष्य में कोई भी पाप नहीं करेंगे, वह शेष जीवन निष्काम कर्म करते हुए भगवान की भक्ति में व्यतीत करेंगे। कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है, उसके भजन के समान सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। ऐसा करने पर आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे तथा आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। इस मानव जन्म का मूल उद्देश्य समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य निष्काम भाव से करते हुए स्थिति प्रज्ञ बने रहना व अपने जीवन को हरि चरणों में समर्पित करना ही है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। आसक्ति विरक्ति का अभाव होना उत्तम जीवन माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण आत्मा को भ्रमित कर उसे यह विश्वास दिलाता है कि सांसारिक सुख से ही सब कुछ है, जिस कारण किसी भी मनुष्य में इन्हें प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। कामना से लोभ उत्पन्न होता है और लोभ पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामना, लोभ और क्रोध, इन तीनों विकारों से ग्रस्त होकर मनुष्य पाप करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमारी अंतरात्मा पाप करते हुए पश्चाताप का बोध कराती है, हमें रोकती है।
भगवान का अंश होने के कारण हम में स्वाभाविक रूप अच्छाइयां मौजूद रहती हैं, जिसके कारण हम में अंतर्बोध की स्थिति होती है, और अंतर्बोध के कारण हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज हमें ऐसे कृत्य करने से रोकती है, लेकिन हम फिर भी नहीं रुकते, बल्कि अपनी कामना पूर्ति के लिए पाप करते हैं। इसलिए हम यह कहकर नहीं बच सकते कि चोरी, ठगी, निंदा, लूट खसोट, हत्या, अत्याचार और भ्रष्टाचार पापजन्य कृत्य नहीं है। हमारी अंतर्दृष्टि यह बोध कराती है कि ये सब कार्य पापजन्य हैं। फिर भी हम ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि कोई शक्ति हमें बलपूर्वक ऐसा करने के लिए विवश करती है। लोभ कामनाओं को प्रबल करता है, जबकि क्रोध कुंठित इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, धूमेनाव्यते वह निर्यथा दर्शो मलेंचे यथोल्बेनावृतो गर्भस्थथा तेनेदमावृतम, अर्थात जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है, मतलब मनुष्य की बुद्धि पर भी पर्दा पड़ जाता है। ज्ञान पर जब काम या वासना का प्रभाव बढ़ जाता है, तब वह हानिकारक हो जाता है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आवृतन ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरिणान लेण च, अर्थात ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। कहने का अर्थ है कि कामना ऐसी भावना है जो ज्ञानियों को भी लोभ और क्रोध में फंसाकर रखती है और उन्हें पाप जन्य कृत्य करने पर विवश कर देती है। भगवत गीता में धर्म के मार्ग पर चलने का बहुत महत्व है। यह मार्ग सत्य, न्याय, दया और अहिंसा पर आधारित होता है। धर्म के मार्ग पर चलने से हम पाप कर्मों को छोड़कर सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है और हमें पाप से मुक्ति दिलाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि यज्ञ और तप करने से पाप कर्मों का नाश होता है। यज्ञ और तप करने से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और आत्मदिशा को प्राप्त करते हैं। यज्ञ और तप करने से हम पापों को समर्पित करते हैं और अपनी आत्मा को ब्रह्मा की ओर प्रवृत्त करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम पाप से मुक्त होते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका भगवान की भक्ति में समर्पित रहना है। जब हम भगवान की भक्ति में समर्पित रहते हैं, तो हम पाप कर्मों से दूर रहते हैं और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति में समर्पित रहने से हम उच्चतम सत्तावान गुणों को प्राप्त करते हैं और पाप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। निज स्वार्थ से ऊपर उठकर जो कर्म किए जाते हैं, उससे आचरण में श्रेष्ठता आती है, साथ ही दूसरों को प्रिय लगते हैं। जीवन का अस्तित्व कर्म पर टिका है। भाग्य के आधार पर परमात्मा हमें कर्म फल देता है, किंतु हम अपने स्वार्थों के चलते अभीष्ट कर्म फल को प्राप्त करने की असफल चेष्टा करते हैं, जिसके कारण निराशा ही हाथ लगती है। जाने अनजाने जो भी कर्म हमारे द्वारा होते रहते हैं, उनका प्रभाव जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवश्य पड़ता है। इस बात को सदैव ध्यान में रखते हुए हमें उन सात्विक कर्मों पर ध्यान देना होगा जो समाज के लिए उपयोगी हों। जीवन सतत गतिशील है, गति में ही जीवन है। जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियां आती है, हमें इनका दृढ़तापूर्वक निर्वहन करना है। जहां कहीं भी नैतिकता, सिद्धांतों और आदर्शों की बात होगी, वहां प्रभु की कृपा से सुख, शांति, समृद्धि अवश्य मिलेगी, क्योंकि परमात्मा भी मानव से यही अपेक्षा करता है कि मानव मानव के साथ मानवता का व्यवहार करे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पात्रता अर्जित करने के लिए त्याग करना पड़ी देता है। दूसरे के हृदय में स्थान पाना है तो अपने समान ही उसके साथ व्यवहार करना होगा। यह मानव की प्रकृति है कि हम किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट में देखकर स्वयं कष्ट का अनुभव करते हैं। एक बार एक बुद्ध युवा थे, सब उनके पास था, सुंदर पत्नी थी और उसी रात उनको बेटा जन्मा था, जिस रात उन्होंने सब कुछ छोड़ा। बुद्ध ने उसका नाम राहुल रखा, नाम बहुत ही सोचकर रखा। राहुल का मतलब होता है राहु,
जिसके चक्कर में कभी चांद पड़ जाता है तो ग्रहण लग जाता है। तो बुद्ध ने कहा है कि यह और बेटा हो गया आज। भागने का मैं विचार किए बैठा था, पत्नी रोकने को काफी थी, पिता रोकने को काफी थे, और राहुल भी आ गए हैं, यह राहु भी आ गया। अब इस बेटे का मोह मुझे रोकेगा? इस डर से कि अब कहीं यह बेटा मुझे न रोक ले, उसी रात भाग गए। जब महल से निकले, रथ पर सवार हुए तो कहते हैं, देवताओं ने रास्तों पर फूल बिछा दिए, कमल के फूल बिछा दिए कि घोड़ों के पैरों की आवाज न हो, कहीं राजमहल जग न जाए। दरवाजे ऐसे थे नगर के कि खुलते थे तो उनकी मीलों तक आवाज होती थी, तो देवताओं ने दरवाजे ऐसे खोले कि जरा भी आवाज न हो। सारे पहरेदार गहन निद्रा में सुला दिए। ये देवता इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? जब कोई व्यक्ति सत्य की तरफ उन्मुख होता है, सब तरह से सहारा मिलता है, सब तरफ से सहयोग मिलता है। फिर जब महल छोड़कर दूर वन में निकल आए और अपने सारथी से कहा कि अब तुम लौटा ले जाओ रथ को, मेरे इस प्यारे अश्व को, मुझे क्षमा करो, मैं चला जंगल, मैं सत्य की खोज पर निकला हूं। उस वृद्ध सारथी ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? यह सुंदर महल, यह सुंदर पत्नी, यह सब सुख भोग आप छोड़कर जा रहे हैं? इसी को पाने के लिए तो हर आदमी तड़प रहा है, आप होश में हैं? बुद्ध ने कहा, मैं पीछे लौटकर देखता हूं, मुझे तो महल नहीं दिखाई पड़ता, केवल लपटें दिखाई पड़ती हैं, और जितनी जल्दी मैं खोज लूं कि जीवन का सत्य क्या है, उतना ही अच्छा। इसके पहले कि यह जीवन मौत में परिणत हो जाए, मैं खोज लेना चाहता हूं, मैं सब दांव पर लगा देना चाहता हूं, सब छोड़ने को तैयार हूं। बुद्ध ने जिस परिपूर्णता से यह बात कही, कहते हैं वह जो बूढ़ा सारथी था उसकी भी समझ में आई। बात तो सच थी, जीवन उसने भी देख लिया था, पाया तो कुछ भी ना था, लेकिन अभी तक उसे ख्याल ना आया था कि जीवन के पार भी कोई जीवन हो सकता है। कहते हैं वह भी उतरा और बुद्ध के पीछे जंगल में प्रविष्ट हो गया। मगर यहां तक बात रुक गई होती तो भी ठीक थी, इतिहास नहीं है, यह पुराण है। कहते हैं बुद्ध जब समझा रहे थे सारथी को तो अश्व ने भी सुना। अश्व को भी बड़ा प्रेम था, उसकी आंख से आंसू टपके, और जब बुद्ध और सारथी भी जंगल में चले गए तो अश्व भी जंगल में चला गया। यह बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि अश्व भी जंगल में चला गया। उसे भी बात दिखाई पड़ी कि जब बुद्ध के जीवन में कुछ नहीं, जब मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं है, तो मुंह अश्व के जीवन में क्या रखा है। उसकी जीवेशना बुझ गई, वह भी खोज पर निकल गया। बाद में किसी ने बुद्ध से पूछा है कि उस अश्व का क्या हुआ। बुद्ध ने कहा कि वह सत्य को खोजते मर गया, भविष्य में कभी बुद्ध होगा। प्रबल जीवेशना ही तुम्हें उस घड़ी ले आती है जहां जीवेशना गिर जाती है। जीवेशना में दौड़ दौड़कर एक दिन पता चलता है इस जीवन में कुछ भी नहीं है। जिस दिन यह पता चलता है उस दिन पलट गए, उसी दिन पलटू का जन्म, उसी दिन तुम लौटे, उस दिन तुम्हारी नई खोज शुरू होती है। फिर तुम धन नहीं खोजते, ध्यान खोजते हो, संसार नहीं खोजते, संन्यास खोजते हो, बंधन नहीं खोजते, मोक्ष खोजते हो, वासना नहीं खोजते, प्रार्थना खोजते हो। जब ऐसी खोज शुरू हो जाती है तो ही समर्पण होता है, तो ही कोई शीश को उतार कर रखने को राजी होता है। अपनी जिंदगी को सद्गुणों के साथ जीना चाहिए। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, क्योंकि जन्म लेने के पश्चात पुरुष हो या स्त्री, सज्जन हो या दुर्जन, जानवर हो या पक्षी, जिसने भी प्रकृति की इस धरा में जन्म लिया है उसे एक दिन मिटना ही होगा। परंतु प्रश्न यह है कि जब मौत ही अंतिम सत्य है तो हम जी क्यों रहे हैं? हमें क्या पाना है जिसकी तलाश में हर व्यक्ति दौड़े जा रहा है? हम इतने अज्ञानी हैं कि हमें वास्तव में पता ही नहीं है कि हमें जीवन में क्या चाहना चाहिए। अक्सर हम किसी वस्तु पर तो किसी इंसान पर दिल लगाए बैठे होते हैं, और उस वस्तु या व्यक्ति के दूर हो जाने या मिट जाने के बाद हम दुखी होकर पछताते हैं और फिर नई चीज और नए इंसान की तलाश में जुट जाते हैं। इस तरह यहां सुख और दुख दोनों ही इंसान को लुभाते हैं। पर प्रश्न आता है कि जीवन की अंतिम इच्छा क्या है? मनुष्य की अंतिम इच्छा शांति पाने की होती है। आप देखिए, आपके हर फैसले के पीछे एक चाहत होगी।
सुकून और शांति पाने की मनुष्य विवाह करता है ताकि उसे पार्टनर के साथ खुशी मिले, शांति मिले। वो घर बनाता है ताकि चैन से सो सके। वो नौकरी करता है ताकि पैसों का इस्तेमाल कर चीजों को खरीदकर खुश हो सके। इस प्रकार देखा जाए तो हर मनुष्य शांति की खोज में विभिन्न कार्यों को कर रहा है, पर क्या इन कार्यों को करके वास्तव में खुश होता है? नहीं। इस संसार में हम चाहे जो भी वस्तु पाले, जिस भी इंसान के साथ संबंध बना लें, ये तय है कि कुछ समय बाद उससे मन भर जाता है। यानी जो सुकून, जो चैन हमें लगता था उस चीज को खरीद कर मिलेगा, वो कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। तो आखिर जब सब चीजों में सुकून नहीं है, तो फिर असली शांति किसमें है और हम किसके खातिर जीवन जिए? जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य कोई मंजिल स्थान नहीं है जहां पहुंचकर हम कहें हमने जीवन में जो पाना था अर्जित कर लिए। नहीं, जो व्यक्ति अंतिम उद्देश्य को जानना चाहता है, सर्वप्रथम उसके लिए यह समझना आवश्यक है कि वह इस समय क्या कर रहा है। वह अपने दैनिक जीवन में जिन कार्यों को करता है, किन लोगों के साथ वार्तालाप करता है, क्या वो लोग उसे अंतिम उद्देश्य तक पहुंचा पाएंगे? यदि नहीं, तो फिर वह उनके साथ क्या कर रहा है? क्योंकि ये बात तो तय है, दौड़ तो तुम लगाओगे, क्योंकि जाना हम सभी को है। पर सवाल आता है, जिस तरफ हम दौड़ लगा रहे हैं, क्या वो स्थान वाजिब है दौड़ लगाने के लिए? जिस जगह आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के खातिर आप कार्य कर रहे हैं, जिन जगहों पर आप खुशियां मनाकर आते हो, क्या वो आपको उस अंतिम इच्छा को पूरी कर रहे हैं? या फिर एक के बाद एक नई और घटिया इच्छाएं दिमाग में घर बना रही हैं? खुद से पूछिए। जीवन में सही काम करने के बहुत से पैमाने हो सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जिससे व्यक्तिगत रूप से आपको, परिवार को नहीं, बल्कि आपके पूरे क्षेत्र, राज्य और देश का भला होता हो, वह सही कर्म कहलाएगा। जीवन के खत्म होने से पहले हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा स्वार्थ न हो, बल्कि दूसरे का कल्याण शामिल होगा। अब आप कहेंगे, आपके करने योग्य सही काम क्या है? ऐसे बहुत से काम हो सकते हैं। देखिए, आसपास कहीं शिक्षा का अभाव है तो वहां उन्हें सही शिक्षा दीजिए। कहीं पर आपके ही क्षेत्र या राज्य में गंदगी बहुत है तो उसको दूर करने के लिए अभियान चलाइए। भले आपके पास पर्याप्त पैसा ना हो, लेकिन अगर आपकी मंशा साफ रहेगी तो लोग आपके साथ आएंगे, और इस तरह धीरे धीरे आप इस अभियान को सफल बनाएंगे। और जरूरी नहीं हमेशा गंदगी बाहरी तौर पर हो। कई बार गंदगी हमारे दिमाग में भी बैठी होती तो आप किसी मुद्दे पर लोगों के बीच फैले भ्रम यानी गंदगी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। यही जीवन का सदुपयोग है कि हमने अपने स्वार्थ से ज्यादा अपने जीवन को किसी बेहतर काम में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, आत्मा सदैव अजर है, अमर है, उसको न मिटाया जा सकता है, न वो कभी पैदा किया जा सकता है। मनुष्य के जन्म से पूर्व और मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। आत्मा के बारे में कृष्ण का यह वक्तव्य सुनकर अब मन में यह बात आती है कि दुनिया में तो जो कुछ है वो कुछ समय बाद मिटता जरूर है। इंसान का शरीर, घर, रिश्ते, वस्तुएं, सब कुछ तो एक समय के बाद मिट जाती हैं या बदल जाती हैं। तो आखिर क्या इस सांसारिक जगत में जो अविनाशी है, अटल है, कभी बदल नहीं सकता? आसान शब्दों में कहें तो वो है सत्य जी। हां, और मात्र सत्य है जो सदा था, है और रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। उसी को कृष्ण ने गीता में आत्मा और ऋषियों ने उपनिषदों में ब्रह्म कहकर संबोधित किया है। अब आत्मा क्या है, ये जान लेने के बाद जाहिर सी बात है, क्योंकि दुनिया में आत्मा के बारे में लोगों के मन में बहुत से सवाल रहते हैं, तो उन्हीं सवालों के कुछ जवाब हमने आपके साथ साझा किए हैं, ताकि आत्मा से जुड़ी कोई गलत फहमी मन में आपके शेष न रहे। देखिए, सत्य की सीमाएं नहीं होती, इसीलिए उसे असीम या अनंत कहा जाता है। अब आप अपना शरीर देखिए, क्या वो सीमित है या अनंत है? शरीर हमारा छोटा सा है तो जाहिर सी बात है, इस शरीर में छोटी चीज ही प्रवेश कर सकती है। पर चूंकि सत्य अनंत है, असीमित है, तो भला आत्मा उसमें कैसे प्रवेश कर सकती है? पर चूंकि हमें लगता है आत्मा का नाम सत्य नहीं है, आत्मा तो कोई पारलौकिक चीज है, कोई दिव्य हवा है या ज्योति है जो मनुष्य के भीतर जाती है, जैसा कि हमने फिल्मों में देखा है,
इसलिए हम आत्मा के नाम पर फालतू की कहानियां सुनते हैं। पर अगर हमने जरा भी आत्मा के बारे में कुछ पढ़ा होता तो हम कहते कि सच्चाई तो पहले से ही है, यानी आत्मा तो शाश्वत है, मनुष्य के मरने या जीने से उसका कोई संबंध नहीं। जिस तरह प्रेम करुणा होती है ना, उसी तरह सत्य भी होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर उसके होने का प्रमाण यही है कि हम सभी को सच्चाई प्रिय है। हम अभी सच जानने को लेकर उतावले रहते हैं। याद रखें, आत्मा को अनिकेत भी कहा गया है। वो संसार के भीतर नहीं है, बल्कि संसार उसके भीतर है, क्योंकि प्रकृति में जो कुछ होता है वो सीमित होता है और आत्मा असीमित है। सर्वप्रथम यह समझें कि आत्मा हर काल में हर क्षण मौजूद है। मनुष्य के जन्म लेने से पूर्व भी उसका अस्तित्व था और उसके मरने के बाद भी वो रहेगी। तो जिसका संबंध ही नहीं है मनुष्य के जन्म लेने से और मरने से, तो कैसे किसी की मृत्यु होने पर आत्मा उड़ जाएगी या जल जाएगी। इसलिए आत्मा यानी सत्य जस का तस ही रहता है, शरीर मर जाता है। प्रकृति में नए जीव का निर्माण होता है, इसीलिए शरीर बदलते रहते हैं, पर आत्मा सदैव एक ही है। मित्रों, आपको बता दें कि सत्य की कोई आवाज नहीं होती, इसलिए आत्मा की कोई ध्वनि नहीं होती। लोगों के बीच एक भ्रामक धारणा यह है कि उन्हें लगता है मरने के बाद आत्मा से तरह तरह की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। परंतु अगर आपको सच जानना है तो समझ लीजिए, आत्मा से किसी तरह की ध्वनि या तरंगे नहीं उठती। वे लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें निश्चित ही आत्मा के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। आत्मा को अन्वय कहा गया है, क्योंकि उसके कोई हिस्से नहीं होते। आत्मा एक होती है जो अखंड है। आत्मा कोई विषय या शरीर का भाग नहीं है जिसका अनेक भागों में विभाजन किया जा सके, ठीक वैसे जैसे सच्चाई के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। नहीं ना, इसी तरह आत्मा के ढेरों प्रकार हो ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई कहता है आत्मा एक प्रकार से रोशनी देती है और दूसरा प्रकार द्वेष, क्रोध और आपका अहित चाहता है, तो समझ जाइए यह इंसान मूर्ख है, इसे आत्मा के विषय पर कोई जानकारी नहीं है। आत्मा अकल्प है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसे देखा ना जा सके तो क्या उसको विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। आत्मा अर्थात सत्य का कोई धर्म नहीं होता। इंसान का धर्म होता है कि वह सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर अपने मन की बेचैनी, निराशा को मिटाकर शांति की तरफ ले जा सके। पर चूंकि मनुष्य अज्ञानी होता है, वह स्वयं धर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहता, इसलिए फिर वह आत्मा के धर्म को लेकर जवाब खोजता है। क्या आप सत्य से बात कर सकते हैं? नहीं ना। इसी तरह आत्मा ना तो शरीर है जिसकी कोई आवाज है, न रंग है, रूप है जिससे आप प्रत्यक्ष रूप से या किसी के माध्यम से बात कर सकते हैं। समाज में वे लोग जो कहते हैं मेरी आत्मा से बातचीत होती है, ऐसे लोग आमतौर पर अंधविश्वास फैलाते हैं। हालांकि यह संभव है जो लोग सच्चाई का जीवन जीते हैं, अपने मन पर नहीं बल्कि हृदय केंद्रित जीवन जीते हैं। सिर्फ उन्हें कहने का अधिकार है कि हम आत्मस्थ होकर जीवन जीते हैं, यानी आत्मा के आधार पर जीवन जीते हैं। आत्मा कोई शरीर थोड़ी है जिसे जीवित रहने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता पड़ेगी। आत्मा का अर्थ है सत्य, और सच्चाई तो सदा से ही विद्यमान है। सच्चाई को जीवित रहने के लिए किसी चीज को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। उसे झूठ मिलकर भी सच्चाई का बाल बांका नहीं कर सकते। पर यदि आप सोचते हैं कि शरीर के भीतर आत्मा कहां पर होती है और उसका भोजन क्या है, तो फिर इस सवाल का जवाब आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि यह प्रश्न ही व्यर्थ है। देखिए, मनुष्य का धर्म है सच्चाई पर चलना, यानी सत्य को पाना। अतः मनुष्य को सत्य तक ले जाने में भगवान की भूमिका विशेष है। समझिएगा, भगवान या जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, वो हमारे जीवन में एक द्वार की भांति है जिनके माध्यम से हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम को ईश्वर के रूप में पूजने पर हमें यह संदेश मिलता है कि हम भी अपने जीवन में सच्चाई को सबसे बड़ा स्थान दें। तो अगर हमें सत्य यानी आत्मा के करीब जाना है, तो भगवान हमारे लिए उस द्वार गेट की तरह हैं, जिनके दर्शन से हमें सच्चाई भरा जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तो वो व्यक्ति जो आत्मस्थ होना चाहता है, आत्मा में लीन होकर जीना चाहते हैं, भगवान उसके लिए एक अलार्म की तरह है।
वो जब जब भगवान राम, कृष्ण या शिव जी की मूर्ति को देखेगा, उसे याद आ जाएगा कि सत्य पर चलना ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। अतः भगवान की पूजा, मूर्ति पूजा इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको याद करके हमें अपनी मंजिल आत्मा तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसलिए हम पाते हैं सनातन धर्म में भगवान, मूर्ति और इतनी सारी धार्मिक कहानियां इसलिए हैं ताकि हम सत्य के करीब आएं। इसके अलावा धर्म का और तमाम तरह की परंपराओं का कोई और उद्देश्य नहीं। लेकिन अगर आपने भगवान को बस अपनी इच्छा पूर्ति का साधन बना लिया, आप यदि सिर्फ कुछ मांगने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान के आगे सर झुकाते हैं, तो फिर आप बड़ी डेढ़े लाभ से वंचित रह जाएंगे। आत्मा का कोई रंग, रूप, आकार नहीं होता तो भला उसे कौन देख सकता है? वो निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, अमर है। उसकी न तो कोई कल्पना कर सकता है, न कोई उसके बारे में कुछ बता सकता है, क्योंकि संसार में उसी वस्तु का तो रंग रूप आकार होता है ना, जिस वस्तु को हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। पर चूंकि आत्मा शरीर का कोई अंग या पदार्थ तो है नहीं जिसको देखा जा सके, इसलिए उसे देखना या उसके बारे में अधिक बातचीत करना भी उसका अपमान करने जैसा प्रतीत होता है। वेदों की आत्मा उपनिषदों में बसती है क्योंकि वास्तव में उपनिषद ही हमें हमारे जीवन की सच्चाई बताते हैं। उन्हीं के माध्यम से हमें हमारी बेचैनी का कारण और समाधान मिलता है। अतः वे लोग जो आत्मा से जुड़ी कई मन की बनाई गई बातों को स्वीकार करने की बजाय सत्य को समझना चाहते हैं, उन्हें उपनिषदों में ऋषियों द्वारा आत्मा के विषय में कही गई बातें जरूर पढ़नी चाहिए। पेश हैं उपनिषदों के कुछ प्रमुख सूत्र जो आत्मा को संबोधित करते हैं। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जीव की उम्र का अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु आत्मा यानी सच्चाई की कोई उम्र नहीं होती। आत्मा अर्थात सत्य कभी नहीं भटकता, बल्कि इंसान का मन सुख की तलाश में यहां से वहां भटकता रहता है, और यही मन कई तरह की मनगढ़ंत बातें बनाता है। आत्मा अज्ञेय है, उसके रंग रूप के आधार पर उसे नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए जानने वालों ने कहा कि सत्य की खोज मत करो, जिंदगी में जो झूठा है उसे त्यागते चलो। आत्मा मनुष्य के भीतर समाई नहीं है, वो मनुष्य के अंदर नहीं है, अतः मनुष्य की मृत्यु या जन्म का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा किसी विशिष्ट स्थान पर नहीं निवास करती। जिस तरह सत्य सब जगह होता है, उसी तरह आत्मा हर काल में हर जगह मौजूद होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधा कृष्णा जरूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।